नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के सबसे पहले और महत्वपूर्ण दिन की, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। हर साल दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन खास तौर पर स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस का सही दिन और शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन किन किन चीजों को खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कौन सी चीजें खरीदने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ टोटके बताएंगे जो आपको मालामाल कर देंगी और आपके लिए लाभदायक साबित होगी। सभी लोग कमेंट में जय लक्ष्मी मां लिख दीजिए और जो जो मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इग्नोर करने वाले को लक्ष्मी मां भी ऐसे ही इग्नोर करके चली जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल धनतेरस कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस का शुभ दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह के 10:32 पर शुरू होगी और यह तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर के 1:15 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस को उदयातिथि के आधार पर मनाना सबसे शुभ माना जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय हो उस दिन की तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। इस हिसाब से धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। अब अगर बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस साल धनतेरस पूजा का सबसे उत्तम समय शाम को 6:31 से लेकर रात के 8:12 तक रहेगा। इस दौरान भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप सुबह पूजा करना चाहें तो प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह के 6:31 से लेकर 8:44 तक रहेगा। इस समय पूजा करने से आपको आरोग्यता और धन धान्य दोनों की प्राप्ति होगी। अब चलिए बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें धनतेरस के शुभ मौके पर खरीदना बेहद फलदायी माना जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए वह है सोना या चांदी। प्राचीन काल से ही सोने और चांदी को समृद्धि और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। जब आप धनतेरस के दिन सोने या चांदी के आभूषण, सिक्के या धातु खरीदते हैं, तो यह आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा को आकर्षित करता है। इस दिन अगर आप सोने चांदी के छोटे से छोटे आभूषण भी खरीदते हैं तो वह आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाता है। दूसरी चीज जो आपको खरीदनी चाहिए वह है बर्तन। खासकर तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यह बर्तन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि नए बर्तन लाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार के सभी सदस्य स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहते हैं। अगर आप चांदी के बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं तो तांबे या पीतल का कोई बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ होता है। तीसरी चीज है जादू। जी हां, धनतेरस के दिन जादू खरीदना बेहद महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। जादू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जादू खरीदने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। यह घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को हटाकर समृद्धि और खुशहाली लाती है। चौथी चीज जो धनतेरस पर खरीदनी चाहिए वह है धातु से बने दीपक। आप तांबे, पीतल या चांदी के दीपक खरीद सकते हैं। दीपक को शुभता और उजाले का प्रतीक माना जाता है और दीपावली के मौके पर इसे घर के हर कोने में जलाना बहुत शुभ होता है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराता है, साथ ही यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। पांचवी चीज जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए वह है भगवान धनवंतरी की मूर्ति या चित्र। भगवान धनवंतरी, जो स्वास्थ्य और आरोग्यता के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करना आपको और आपके परिवार को बीमारियों से दूर रखता है और घर में आरोग्यता बनी रहती है। अब जब हमने उन चीजों की बात कर ली है जो धनतेरस के दिन आपको खरीदनी चाहिए, तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी चीजें
आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके जीवन में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। लेकिन इसे जानने से पहले कमेंट में अपने स्थान का नाम लिखिए, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर आपको आशीर्वाद देने जरूर आए। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि कल हम आपको दिवाली के कुछ टोटके बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए वह है लोहे का सामान। लोहे को अशुभ धातु माना जाता है और इसे धनतेरस के दिन घर लाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इसके बजाय आप तांबे, पीतल या चांदी जैसी शुभ धातुओं का सामान खरीदें जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। दूसरी चीज जो आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए वह है कांच का सामान। कांच को टूटने का प्रतीक माना जाता है और इसे धनतेरस के दिन घर लाने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए आप इस दिन कांच के बर्तन या कोई अन्य वस्तु खरीदने से बचें, क्योंकि यह अशुभता को दर्शाता है। तीसरी चीज है नुकीली या धारदार वस्तुएं, जैसे कि चाकू, कैंची या कोई अन्य औजार। इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये घर में कलह और विवाद का कारण बन सकती है। इस प्रकार की चीजें घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा से आपको वंचित कर सकती हैं। चौथी चीज जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए वह है प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक को हिंदू धर्म में अपवित्र माना जाता है और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदने से घर में धन हानि हो सकती है और लक्ष्मी जी की कृपा कम हो सकती है। पांचवी चीज जो आपको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए वह है काले रंग का सामान। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में लाने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि आप काले रंग की कोई भी वस्तु ना खरीदें। दोस्तों, यह तो हमने जान लिया कि धनतेरस के शुभ अवसर पर किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें इस दिन ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करने वालों से बस एक सवाल है, कहां जाओगे इतना टाइम बचाकर? जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है वो क्या करेगा जिंदगी में? इसलिए अब तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप धनतेरस के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें और विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा के स्थान को अच्छी तरह से सजाएं। सफाई का महत्व इस दिन इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि मां लक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता बहुत प्रिय होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां साफ सफाई और सुंदरता होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है। रंगोली न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करती है। आप रंगोली में दीपक और स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के प्रतीक माने जाते हैं। धनतेरस के दिन केवल खरीदारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करना भी अनिवार्य है। पूजा में दीप जलाएं, धूप दीप से घर को महकाएं और भगवान को ताजे फूल, मिठाई और फल अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा का समय सही हो, इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में जो शुभ मुहूर्त बताए थे उन्हें ध्यान में रखते हुए ही पूजा करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप इस दिन कर सकते हैं वह है जरूरतमंदों को दान देना। धनतेरस के दिन दान पुण्य करना बेहद फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करता है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। यह न केवल आपके घर में समृद्धि लाता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुभ बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने धनतेरस पर पूजा, खरीदारी और शुभ अशुभ चीजों की पूरी जानकारी प्राप्त की, लेकिन अंत में हम आपको कुछ विशेष टोटके भी बताएंगे जो इस दिन करने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। यह टोटके सदियों से चले आ रहे हैं और मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी टोटके जिन्हें आप इस धनतेरस पर आजमा सकते हैं। कमेंट में लिखिए जय श्री राम,
जो जो लिखेगा उन्हें भगवान राम अपनी कृपया जरूर देंगे और जो नहीं लिखेगा उन्हें इग्नोर कर देंगे, जैसे आप हमें कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टोटके जानने से पहले। पहला टोटका, धनतेरस के दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाएं। यह दीपक मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का प्रतीक होता है। 13 दीपक जलाने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। दीपक जलाने के साथ ही आप AUM महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। दूसरा टोटका, धनतेरस के दिन काले तिल और गुड़ को मिलाकर नदी या बहते पानी में प्रवाहित करें। यह टोटका उन लोगों के लिए खास होता है जिन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा टोटका, धनतेरस के दिन घर में नए बर्तन खरीदकर उसमें चावल भरकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। चौथा टोटका, इस दिन सफेद रंग की कोई वस्तु जैसे खीर या सफेद मिठाई भगवान धन्वंतरि को अर्पित करें और फिर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमारियों से बचाव होगा। पांचवा टोटका, धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे के नीचे एक तेल का दीपक जलाएं। यह टोटका बेहद प्रभावी माना जाता है क्योंकि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और यह आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे वो भगवान की कृपा के रूप में वापस लौट कर आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और खास जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।